आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा सप्ताह एक प्रोडक्टिव वीक की तरह पूरा हो, और जब वो सप्ताह एंड हो जाए, वो वीक खत्म हो जाए, तब हमें अकम्प्लिश्ड फील होना चाहिए कि वाओ, इस पूरे वीक में हमने कुछ कर दिखाया और हमने कुछ अचीव किया है। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं, जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आपकी इफिशियंसी है, उसे हम ऑलवेज टॉप पे रखें। अब एक दिन कैसे प्रोडक्टिव बनना है, हमारा फोकस कैसे हमें अच्छा रखना है, कैसे कामों को डेलीगेशन करना है, ये सभी चीजें टाइम मैनेजमेंट में कवर होती है। और ऐसे ही अलग अलग 100 सवालों के जवाब देते हुए मैंने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है समय नहीं है। ये किताब अमेजोन और विप्रास इंडिया पर अवेलेबल है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट और उनके चैलेंजेस के साथ कोई सवाल मन में आते रहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट दोस्त साबित हो सकती है। दोस्तों, पूरा का पूरा सप्ताह हमें बनाना है प्रोडक्टिव। मतलब ये सोच लीजिए कि अब हम सिर्फ एक दिन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम 5, 6, 7 जो भी आपके वर्किंग डेज हैं, उन सभी पर काम करने वाले हैं। 5 ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको इंप्लीमेंट करते ही आप पूरे वीक को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ऐसा आपको फील होता होगा कभी ना कभी कि काम तो कर रहा हूं, आगे भी बढ़ रहा हूं, लेकिन जब पूरा सप्ताह एंड होता है, पूरा महीना एंड होता है, पूरा साल खत्म होता है, हम अपने आप को उसी पोजीशन पे पाते हैं। हमें जाना यहां पर था, पर हम यहां पर आकर के स्टक हो गए हैं, क्योंकि हम उन्हीं रूटीन कामों में उन्हीं चीजों को रिपीट करते करते हम ग्रोथ वाले काम नहीं कर रहे, और उन्हीं रूटीन कामों को करते करते हम कामों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, कुछ कामों को अवॉइड कर रहे हैं, और एट द एंड जब ये सारी चीजें होती है, तब हमें फील होता है कि यार लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। भले ही आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन उस कमाए हुए पैसे से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ये 5 टिप्स आप इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए कि क्या आपको आपके पूरे वीक से वो आउटकम मिलता है जो आपको चाहिए था। टिप नंबर 1, वीकली प्लानिंग सेशन शेड्यूल कीजिए। आपको क्या करना है, आपका जो लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे या सैटरडे, उस दिन सिर्फ 15 मिनट का टाइम आपको सेट करना है अपने अगले हफ्ते के लिए। उन 15 मिनटों में आप आपके डायरी से, कैलेंडर में से, जहां कहीं भी आपने अगले हफ्ते के काम लिख रखे हैं, एक बार उन्हें गो थ्रू करना है, और उन कामों में कहां पर कौन से काम इस हफ्ते के एडजस्ट करने हैं, ऐड करने हैं, या कौन से ऐसे काम हैं जो आपके गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन्हें अगले हफ्ते में सेट करना शुरू कर देना है। तो आप सोच के देखिए, आप उन 15 मिनटों में आपका पूरा अगला हफ्ता चेक करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, और उसे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाते हैं। 15 मिनट में ये पूरा हो जाता है, अगर हम फोकस के साथ विदाउट मोबाइल उसे करने की कोशिश करें। 15 minutes to plan your next week इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है प्रायोरिटाइज करते रहना। अब यहां पर आप एक बार, दो बार, तीन बार, मैं नहीं कहूंगा कितनी बार आपको प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन जब भी पूरे वीक में आपके सामने ऐसा कोई मोमेंट आ जाए जहां पर आप कंफ्यूज्ड हो कि अब मैं क्या करूं, उस वक्त आपकी प्रायोरिटीज पे आपको काम करना है। रिसेंटली एक पॉडकास्ट शेयर किया था, जिसका नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स। आप उसे चेक कीजिए, और वो मैट्रिक्स आपके प्रायोरिटीज को सेट करने में, आपके अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क के बीच में कैसे डिसीजन लेना है, उसमें आपकी मदद करता है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऐसे मोमेंट्स आपके पास आते हैं जहां पर आप कामों को अवॉइड करना शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है कि उन कामों को पिक कीजिए जिन्हें आप टालते हैं। वो काम या तो बोरिंग से है,
या फिर वो काम इतने बड़े हैं कि आप कहते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल, उन कामों को डिवाइड करना शुरू कीजिए, ब्रेक डाउन करना शुरू कीजिए, उन्हें छोटा छोटा बना करके पूरे सप्ताह में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और फिर वो छोटा सा काम अगर आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उस छोटे से काम को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, कामों को आगे शिफ्ट नहीं करेंगे। टिप नंबर 4, बार बार ना कहते रहे। अब आपने एक सप्ताह पहले आपके अगले सप्ताह को देख लिया है, उसमें काम एडजस्ट कर लिया है, उसमें ग्रोथ वाले काम डाल दिए हैं, इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी आपने उसके अंदर अच्छा खासा कंटेंट भर दिया है। उसके अलावा भी अगर कोई चीज वहां पर आ रही है कि ये काम करना है या नहीं करना है, उन्हें ना कहने की कोशिश कीजिए, उन्हें मना कीजिए या फिर उन्हें उसके अगले हफ्ते शेड्यूल कीजिए, ताकि ये जो पूरा सप्ताह है ये आपके हिसाब से, आपके प्लानिंग के हिसाब से चलना शुरू हो। कोई ऐसा काम आ जाता है जिसे आप ना नहीं कह सकते, उसे एडजस्ट कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एक बार आपने पूरा वीक प्लान कर दिया तो बस वैसे ही पूरे सप्ताह को आगे लेकर के जाना है। टिप नंबर 5, शेड्यूल बफर टाइम। थोड़ा सा बफर टाइम रखिए जब तक आपकी आपके शेड्यूल पर रहने की आदत ना बन जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ कुछ काम ऐसे आएंगे जिन्हें आप ना नहीं कह सकते, उनके लिए वो बफर टाइम रखिए। लेकिन एक गोल यहां पर सेट करना है कि अभी अगर आपने बफर टाइम रखा है 1 घंटे 2 घंटे, तो धीरे धीरे बफर टाइम कम होना चाहिए। 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, ऐसे करते करते आपका बफर टाइम कम हो जाना चाहिए, ताकि आप जो आपका शेड्यूल है उस पर अपना कंट्रोल ला सके। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि काम का लोड बढ़ रहा है, उस रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे अपने बफर टाइम में शिफ्ट कीजिए, ना कहना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो 15 मिनट कैसे निकलेंगे जिसमें मैं अपने पूरे वीक को शेड्यूल कर सकूं, तो अलार्म का इस्तेमाल कीजिए, उस अलार्म का नाम लेबल बदल दीजिए, उसे लिख दीजिए कि सेट योर नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि एक वीक अलार्म बजेगा, आप किसी और काम में इन्वॉल्व रहेंगे, आप नहीं करेंगे, फिर अगले वीक बजेगा, आप शायद फिर कहीं और इन्वॉल्व रहोगे, आप नहीं करोगे, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार आप उसे अवॉइड करोगे, चौथे बार आपके बैक ऑफ द माइंड चलना शुरू हो जाएगा कि ये करना है। और इसे करने से हम पूरे वीक में हमारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी खास दोस्त के साथ शेयर करने जैसा है तो शेयर बटन पर क्लिक कीजिए। अगर लाइक करके इसमें से कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ा रहना आपके काम आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद है आपके साथ कनेक्टेड रहना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद, आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।